एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं एमिरेट D20 में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। आज तीन मुकाबले हैं, 9वां, 10वां और 11वां मुकाबला आज खेला जाएगा। सबसे पहले 9वें मुकाबले की अगर हम बात करें, फुजीरा और एमिरेट ब्लू के बीच में मुकाबला खेला जाएगा 16 तारीख, मतलब आज के दिन आपको ये मैच इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 3 बजे लाइव देखने को मिलेगा। इससे जस्ट पहले आपको BBL का मुकाबला स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, तो इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस नहीं रहने वाला, इसीलिए एक ठीक ठाक मुकाबला के लिए है जिसमें आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर ये मुकाबला होने वाला है। सारे मुकाबले इसी पिच के ऊपर हुए हैं और बहुत बढ़िया हुए हैं। अगर आप देखो तो रन्स बने हैं पर विकेट्स भी गिरी हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चेजिंग करना आसान है या नहीं तो पहले बैटिंग कर ले तो आप डायरेक्टली जीत जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी के लिए इस पिच के ऊपर। बट स्पिनर्स धीरे धीरे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना। इस विकेट के ऊपर अभी तक 8 मुकाबले हुए हैं, 4 पहले बैटिंग करने वाली टीम और 4 चेस करते हुए टीम मुकाबले जीती हैं, तो 4-4 अभी 50% ही है। अभी भी, कल भी 50% था, अभी भी 50% है। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो, कोई भी चांस नहीं है यहाँ पर रेन के, और 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको विंड चलती हुई दिखेगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर इंटरनेशनल जो मुकाबले हुए हैं वो 61 हुए हैं, 34 पहले बैटिंग करने वाली और 26 सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। 144 ऑन एन एवरेज स्कोर बन रहा है, बट अभी के लिए एमिरेट D20 में इससे ज़्यादा भी बन रहा है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद हाईएस्ट टोटल की अगर आप बात करो तो 211 रन और लोएस्ट यहाँ पर 71 रहा है। फुजीरा की अगर आप बात करो, अपना पिछला मुकाबला हार कर आए हैं, परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं पिछले मुकाबले में, बट स्टिल आपके लिए ना बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस रहने वाले हैं। वसीम मोहम्मद की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, पहले मुकाबले में 1 भी ओवर नहीं करवाया, दूसरे मुकाबले में 2 ओवर, तीसरे मुकाबले में 4 ओवर करवाया और डेथ में भी आकर बॉलिंग करवाई। आज के मुकाबले में इतना पक्का नहीं है कि डेथ में आकर बॉलिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले मुकाबले में इसने जब डेथ में आकर बॉलिंग करवाई थी, जब आखिरी ओवर करवाया था, तो 15 रन दिए थे आखिरी ओवर में, और इसी वजह से यहां पर फुजीरा की टीम हारी है। तो इतना ध्यान रखना कि कुछ पक्का नहीं है कि भैया फुजीरा की टीम दोबारा से, मतलब वैसे तो कैप्टन अपने आप ही है, पर टीम मैनेजमेंट देखते हैं क्या डिसीजन लेती है, क्या वसीम मोहम्मद आखिरी में आकर बॉलिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, बट स्टिल आप आराम से रख सकते हो इस प्लेयर को। उसके बाद अगर आप रोहन मुस्तफ़ा की बात करोगे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले मुकाबले में 4 ओवर करवाए, 7 रन की पारी खेली, विकेट 1 भी नहीं चटकाई और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई है। प्लेयर बढ़िया है, आराम से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसिफ खान की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 27 रन की पारी पिछले मुकाबले में, 103 और 66। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको ढूंढना है तो आसिफ खान बहुत बढ़िया है। रोहन मुस्तफ़ा को रखोगे तो अपनी ग्रैंड लीग में कैप्टनसी दे सकते हो। मोहम्मद उस्मान, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले मुकाबले में 15 रन की पारी, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर आप देखो तो पिछले 2 मुकाबलों, मतलब जो टोटल 3 मुकाबले हुए हैं, तीनों मुकाबलों में फ्लॉपी रहा है प्लेयर। हमीद खान, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, आपके लिए 8, 8 और 6 परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। शहीद हैदर शाह, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 22 और 6 रन की पारी परफॉर्मेंस, शहीद हैदर शाह की भी इतनी बढ़िया नहीं है कि आप सीधा सीधा इसे अपनी टीम में रख पाओ। अब्दुल गफार, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इस प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म करा है, बट पिछले मुकाबले में ना इस प्लेयर ने 1 ही ओवर करवाया, वो भी स्टार्टिंग में आकर, 3 रन दिए और उसके अलावा बाद में बॉलिंग आई ही नहीं। तो क्या टीम दोबारा से बॉलिंग करवाएगी? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि वसीम मोहम्मद ने अपने पिछले मुकाबले में ओवर्स कंप्लीट करवाए थे, इसीलिए अब्दुल गफार को ओवर नहीं मिले थे। 20 रन की पारी इसने खेली है, नॉर्मली ये स्टार्टिंग और डेथ में भी आकर बॉलिंग करवा कर देकर जाता है। डेथ में जोन जोन से प्लेयर बॉलिंग करवा रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। मैथ्यू जॉर्ज की अगर आप बात करो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर, 6 रन की पारी इसने पिछले मुकाबले में खेली है। मोहम्मद उजैर खान, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, आपके लिए 4-4 ओवर 2 मुकाबलों में, दोनों मुकाबलों में 2-2 विकेट चटकाई हैं और पिछले मुकाबले में तो 28 रन की पारी भी खेली है। तो अगर कहीं मौका मिल जाता है इसको बैटिंग करने का, तो पक्का से फिर से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकता है। रकीफुल्ला की अगर आप बात करो, तो रजा रकीफुल्ला की ना सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, ग्रैंड लीग में बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन रहने वाला है। राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, पहले मुकाबले में 2 विकेट, दूसरे मुकाबले में 1 विकेट और नॉर्मली स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाता है, बट इतना पक्का है कि भैया स्टार्टिंग में तो बॉलिंग करवा कर ही देकर जाने वाला है। हैरी बरवाल पहले 2 मुकाबले में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करा था, 3-3 ओवर, पिछले मुकाबले में नहीं करा है, क्योंकि बॉलर अगर आप देखो रोहन मुस्तफ़ा भी आ गया, तो इनके पास ना बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए ना किसी प्लेयर के तो ओवर कटने ही वाले हैं अगर वसीम मोहम्मद फिर से बॉलिंग करवाता है आज का मुकाबला। तो यहाँ पर आपका जुनैद सिद्दीकी का ऑप्शन रहेगा, हो सकता है हमद ताहिर दोबारा से खेल जाए, अगर ताहिर खेल जाता तो इतना ध्यान रखना कि भैया ये प्लेयर आपको बैटिंग कर देकर जा सकता है और विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत बढ़िया प्लेयर होने वाला है। फारूक मोहम्मद का कुछ पक्का नहीं है कि ये प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा।
एमिरेट ब्लू की अगर आप बात करो, अपना पहला मुकाबला जीत कर आए थे, दूसरा तीसरा अपना हार कर आए हैं। जाबर फरीद राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, 44 रन की पारी दूसरे मुकाबले में और तीसरे मुकाबले में 16 रन की पारी, लगातार दो मुकाबले में ओपन करा है इस प्लेयर ने। फिर उसके द्वितीय आनंद आपके पास है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। अरविंद ने पहले दो मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, पिछले मुकाबले में 17 रन की पारी खेली है, परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। रिजवान सीपी की अगर आप बात करो तो सीपी रिजवान ना वैसे बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट सामने वाली टीम बहुत बढ़िया खेल रही है, इतना ध्यान रखना फुजीरा की। ग्रैंड लीग में वैसे स्मॉल लीग में भी रिजवान सीपी की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, बट आपको देखकर चलना है कि आपको हर एक मुकाबले में इसे इस प्लेयर को रखना है या नहीं रखना। मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग में कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी देना भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रह सकता है इस प्लेयर को। 12 रन की पारी पिछले मुकाबले में और एक भी विकेट नहीं छटकाई है, वैसे आखिरी ओवर आपको करवा कर देकर गया था, उससे पिछले मुकाबले में 2 ओवर और पहले मुकाबले में 3 ओवर, पर वहाँ पर 2 विकेट लाकर देकर गया है। आलीशान शराफू राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया, लगातार 2 मुकाबलों में हाफ सेंचुरी, पिछले मुकाबले में 62 रन की पारी है और अभी तक अगर आप देखो तो इसने पूरे 2022 में चौथी हाफ सेंचुरी हो गई है अब इसकी। फवाद नवाज की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले 3 मुकाबलों में 18, 4 और 25, परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है, बट आप नवाज को रख सकते हो एज अ कॉमन प्लेयर अपनी ग्रैंड लीग में। कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी नहीं देने हैं, बट किसी और प्लेयर को जैसे हो सकता है कोई प्लेयर 10 12 15 रन पे आउट हो जाए और ये 25 के करीब रन कर कर देकर चला जाए तो उतना ध्यान रखना, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है आपको। विष्णु शिवकुमार की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर आपके लिए, पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी, फिर उसके बाद मोहम्मद फराजुद्दीन राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट, पर सेकेंड मुकाबले में स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवा कर देकर गया था, परफॉर्मेंस बढ़िया रही थी इस प्लेयर की, तो आराम से ट्राई कर सकते हो। लगातार 2 मुकाबलों में 2-2 विकेट और पिछले 3 मुकाबलों में 4 विकेट लाकर देकर गया। संचित शर्मा की अगर आप बात करोगे तो पिछले मुकाबले में इस प्लेयर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई, 1 विकेट चटकाई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। आदित्य शेट्टी राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 4 ओवर करवाए, विकेट एक भी नहीं चटकाई है, ग्रैंड लीग में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। मतीउल्ला खान राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 4 ओवर करवाए, 4 विकेट चटकाई और उससे पिछले मुकाबले में अगर आप देखो तो 3 ओवर करवाए, 1 विकेट चटकाई, पिछले मुकाबले में 4 ओवर जब करवाए थे तो 2 विकेट चटकाई, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। मोहम्मद जादुल्ला की अगर आप बात करो, 4 ओवर इसने करवाए पिछले मुकाबले में, 2 विकेट चटकाई हैं। नीचे अगर आप आओगे ना, हजरत बिलाल का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा जो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसे आप ट्राई कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप देखोगे तो वी अरविंद और यहाँ पर एस शाह जो पिछले मुकाबले में 2 प्लेयर खेले, एस ताहिर खेला नहीं पिछले मुकाबले में बट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है अगर टीम इसे दोबारा से इंक्लूड करने की सोच ले। उसके बाद बैटिंग सेक्शन की अगर आप बात करो तो यहाँ पर एम उस्मान जिसकी सिलेक्शन ठीक ठाक है बट आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करानी है, आसिफ खान, एम फराजुद्दीन और यहाँ पर अलीशान शराफू, ऑब्वियस सी बात है तीनों प्लेयर बहुत बढ़िया होने वाले हैं। नीचे अगर आप आओगे, नीचे इतने ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है नहीं, यहाँ पर एफ नवाज का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा जिसे आप ट्राई कर सकते हो एज अ नॉर्मल प्लेयर ग्रैंड लीग में, ठीक है। ऑलराउंडिंग सेक्शन में वसीम मोहम्मद आपके पास है और यहाँ पर रोहन मुस्तफ़ा, सीपी रिजवान रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, अभी के लिए मैं आपको ना सेफ टीम बता रहा हूँ। वैसे सीपी रिजवान को आप रख सकते हो बट मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा रहा हूं जो बॉलर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, संचित शर्मा, फिर उसके बाद एम उजेर खान, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो हैरी बरवाल जिसे आप ड्रॉप करने की सोच सकते हो क्योंकि पिछले मुकाबले में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है, एम जवादुल्ला, फिर उसके बाद मतीउल्ला खान। तो ये कुछ 5 बॉलर्स मैंने पिक करे हैं, यहाँ पर अब्दुल गफार का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा जिसे आप ट्राई कर सकते हो और रकीफुल्ला आपके लिए बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक रहने वाला भैया ग्रैंड लीग में, इतना ध्यान रखना। अब अगर आप कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी सेफ करना चाहते हो तो आसिफ खान और वी अरविंद की जगह आप डब्ल्यू मोहम्मद को भी दे सकते हो, यानी तो एम फराजुद्दीन इसलिए क्योंकि आपको बॉलिंग करवा कर देकर जा रहा है और बैटिंग का भी अगर कभी मौका मिले तो वो बैटिंग भी कर सकता है, तो इस वजह से अगर आप देखो तो आपके लिए एम फराजुद्दीन का एक सेफ ऑप्शन रहने वाला है अगर आप वी अरविंद के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि फुजीरा की टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पर वी अरविंद इतना बढ़िया ना करे और आप एम फराजुद्दीन के साथ जाने की सोचें तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। रोहन मुस्तफ़ा ग्रैंड लीग में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं बट आप किस किस को ट्राई कर सकते हो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है क्योंकि मेरे हिसाब से ऑलराउंडर प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा पॉइंट्स आने वाले हैं एज कम्पेयर टू कि आप सिंपल बॉलर या सिंपल बैट्समैन को लेकर जाओ। अब अगर आप सबसे पहले टीम की बात करो, एक ये तो मैंने आपको सेफ टीम बता दी, सेफ टीम की अगर आप बात करो कैप्टनसी आसिफ खान और वाइस कैप्टनसी दे रखी है वो वी अरविंद, फिर उसके नाम फराजुद्दीन, अलीशान शराफू, रोहन मुस्तफ़ा, डब्ल्यू मोहम्मद, संचित शर्मा, एम खान, फिर उसके बाद हैरी बरवाल, उसके बाद एम उजेर खान और यहाँ पर एम
जवादुल्ला। अब अगर आप दूसरी टीम की बात करो तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर जो दे रखे हैं ना फराजुद्दीन, और यहाँ पर वाइस कैप्टेंसी अगर आप देखो तो उजेर खान को दे रखी है, जो बहुत ज़्यादा रिस्की टीम है, इतना ध्यान रखना है। वाली ग्रैंड लीग की टीम है, वी अरविंद, आसिफ खान, फिर उसके बाद अलीशान शराफू आपके पास है, संचित शर्मा, एम खान, फिर उसके बाद रकीफुल्ला, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे हैरी बरवाल, अब्दुल और यहाँ पर एम उजेर खान। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।